कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पिछले कई महीनों से रामटेक मौदा इस मार्ग से आवागमन करने वाली एसटी बसों की फेरियां बंद थी, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के कारण रामटेक और मौदा यहां के सभी स्कूल की यत्या 8वीं से 12वीं की कक्षा शुरू हुई है। इन स्कूलों में इस मार्ग पर बसे गांव कस्बे के सैकड़ों छात्र रामटेक मौदा शहर में स्कूलों में पढ़ाई करने बस से आते हैं, लेकिन स्कूल के समय में आने वाली बस फेरियां रामटेक डिपो प्रशासन ने बंद करने के कारण छात्रों को नुकसान हो रहा है। उसी प्रकार इस मार्ग पर अनेक कंपनी कामगारों को ड्यूटी पर आने जाने के लिए दिक्कतें हो रही है। इस समस्या को देखते हुए रामटेक मौदा बस फेरियां पूर्ववत शुरू करने की मांग नागरिकों ने की है। आजकाल आपल्या रामटेक विभाग आगारामधून मौदा बस या नियमितपणे सोडण्यात येत नसल्यामुळे त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, टीचर, आपले कामगार, सिमेंट कंपनीमधले कामगार, विद्यार्थी मौद्याला जायना करणारे आणि रामटेकला समोर शाळेत श्रीराम शाळेत आयन शाळेत जायणाऱ्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खूपच प्रॉब्लेम होत असल्यामुळे बस नियमित करावी म्हणजे सुरू व्हावी अशी विद्यार्थ्यांची म्हणजे ग्राह्य म्हणजे अशी आग्रहाची मागणी आहे। पण जे आगार बसस्थानक आहे ते त्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांना दिसत आहेत, कारण की त्यांचं बसायचं असं म्हणजे एक टायमिंग नाही आहे, कधी 9:30 सोडतात, कधी 10:30 सोडतात, कधी 11:30 सोडतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत ये जा करण्यास फारच म्हणजे असं म्हणजे नियमितपणा आढळून येत नाही आहे। BCN न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।